हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साई वर्ल्ड ड्रीम्स डोंबिवली के मॉडल एरिया 2 BHK 3 BHK का सैंपल फ्लैट में लेके जाऊंगा। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा एंड प्रॉपर्टी परचेज करना है तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ये है साई वर्ल्ड ड्रीम्स का मॉडल एरिया, आप देख सकते हैं बहुत लग्जरियस जिस तरह से ये बनाया है, इसी तरह से आपको प्रॉपर्टी मिलने वाला है जब ये टोटल पूरा बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये टोटल 18 एकर्स का लैंड पार्सल है, माफ कीजिएगा, ये शुरुआत में 18 एकर का है, कुछ प्रोजेक्ट टोटल 82 एकर्स का बनाया जा रहा है। देख सकते हैं टोटल जो कमर्शियल है, रिटेल्स है, शॉपिंग सेंटर है, बिल्डिंग्स आपके जो है 1 BHK 2 BHK 3 BHK जिस तरह से होगा, आप लेआउट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। इसी तरह का ये मॉडल जो दिख रहा है वो इस तरह से रियल प्रॉपर्टी बनेगा। अब चलते हैं हम पहले अपने इस टूर के 3 BHK में। जैसे ही फ्लैट में एंटर करते तो पहले ही राइट साइड में आपका मास्टर बेडरूम लगता है। इसका जो वॉशरूम एरिया है लगभग 4.11x8 है और जो इसका बेडरूम का जो साइज़ है वो 12x11 का है। आप देख सकते हैं साइज़ से ही देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ रहा है कि कितना बड़ा बेडरूम का साइज़ दिया गया है ये। इसी तरह का आपको विंडो भी मिलेगा। मैं बात करूँ लिविंग रूम का तो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया का जो साइज़ दिया गया है वो 24x3x11 है। उसके बाद ही आपका एक बालकनी दिया गया है, बालकनी का एरिया है 5 फुट। सैंपल फ्लैट जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ही बनाया गया है तो ये देख सकते हैं आप टोटल काम चालू हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही हम लोग लिविंग एंड डाइनिंग एरिया क्रॉस करते हैं, आगे जैसे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका किचन है एंड राइट साइड में आपका कॉमन बेडरूम है। बेडरूम का जो साइज़ दिया गया है लगभग ये भी 12x11 का है, 12x11 का, और साथ में एक अटैच बालकनी है 5 फीट का। आपके कॉमन बेडरूम के सामने ही किचन दिया गया है, आप किचन देख सकते हैं, एल शेप का किचन है ये और जिसका साइज़ है 11x8। उसके साथ में ही एक अटैचमेंट आपका ड्राई बालकनी एरिया दिया गया है, ड्राई बालकनी का एरिया है 5.9। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब बढ़ते आगे, ये आपका कॉमन वॉशरूम एरिया है, बेसिन एंड साथ में उसके आगे ही आपका वॉशरूम एरिया टॉयलेट जो है। इसके बाजू में ही आपका थर्ड बेडरूम है जो कि वो मास्टर बेडरूम है। इसके साथ में ही आपका अटैचमेंट बालकनी मिलता है इसमें, देख सकते हैं इसी तरह का बालकनी मिलेगा, डिज़ाइन जो दिया गया है इसी तरह का होगा ये। उसके बाजू में ही आपका मास्टर बेडरूम का टॉयलेट एंड वॉशरूम एरिया है। इसके बाद अब हम चलेंगे इसके 2 BHK में। तो ये है 2 BHK का सैंपल शो फ्लैट, आप देख सकते हैं कि इसका भी जो एरिया दिया गया है बहुत ही बढ़िया दिया गया है। लॉन्ग साइज का आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, लेफ्ट साइड पे आपका किचन दिया गया है। किचन के साथ में आपका वापस से यहाँ पे भी आपको ड्राई बालकनी एरिया मिल जाता है, साथ में फ्रिज के लिए अलग से स्पेस है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव एक लग्जरियस होम देख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। विजिट करने से पहले आपको साइट विजिट बुक करना होगा, क्योंकि नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉल करके साइट विजिट बुक करना होगा। तो अब हम चलते आगे, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड में ही आपका ये कॉमन वॉशरूम एरिया दिया गया है और लेफ्ट साइड पे आपका कॉमन बेडरूम है। देख सकते हैं इसका भी साइज़ जो दिया गया है लगभग सिमिलर ही है। आपको इसके बाद एक विंडो मिलता है इसमें, आप देख सकते हैं। आप कोई भी फ्लैट लोगे तो लगभग इसमें आपके फ्लैट में सनलाइट वगैरह आना ही आना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे इसका सेकंड मतलब मींस मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम का ये टॉयलेट एरिया वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम से जैसे बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो भी देख सकते हैं कि सिमिलर बड़ा ही साइज़ दिया गया है। साथ में इसके साथ में आपको एक बालकनी अटैचमेंट मिल जाता है। फ्रेंड्स एक आप लोगों से वापस एक मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके आप अपने रिलेटिव को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।